डहरवाल कलार समाज संगठन का वार्षिक बैठक हुआ आयोजन। डहरवाल कलार समाज संगठन का प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बैठक सह सम्मान कार्यक्रम अम्बेडकर भवन वाराणसी के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें जिला कार्यकारिणी के साथ साथ तहसील व ग्राम समितियों के पदाधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रारंभ करने के पूर्व कलार समाज के आराध्य शस्त्रबाहु भगवान की पूजा अर्चना कर वंदना की गई। तत्पश्चात पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार समाज संगठन के पदाधिकारियों का सामाजिक बंधुओं द्वारा तिलक लगाकर सम्मान किया गया। तत्पश्चात जिला कोषाध्यक्ष श्रीमान किशोरीलाल डहरवाल जी द्वारा पिछले वर्ष आय व्यय का ब्यौरा समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। डहरवाल कलार समाज के मार्गदर्शक जिन्होंने मंचासीन के पश्चात अपने अपने उद्बोधन में समाज को दिशा निर्देश के लिए अपना अपना उद्बोधन दिया गया। तत्पश्चात पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गई, जिसमें डहरवाल कलार समाज में संपन्न होते विवाह कार्यक्रमों के लिए लग्न का समय रात्रि 10 बजे निर्धारित किया गया। उक्त पर विस्तार से पुनः चर्चा की गई, जिसके उपरांत मृत्यु भोज पर पूर्ण निर्धारित तहसील स्तरीय चर्चाओं के उपरांत जिले की बैठक में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मत से तय हुआ कि मृत्यु भोज को सादे भोज के रूप में समाज जन को खिलाने का निर्णय लिया गया, न कि सामाजिक उल्लास के साथ। इसके बाद अंतर्राज्यीय विवाह के विषय पर डहरवाल समाज संगठन जिलाध्यक्ष शिवाजी बाविस्ताले द्वारा ग्राम समिति व तहसील समितियों के विचारार्थ चर्चा हेतु प्रस्तावित किया गया। तदुपरांत आगामी जिला स्तरीय बैठक में सभी पदाधिकारियों के द्वारा एक सशक्त निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया जा सके और समाज को सुसंस्कृत बनाने की ओर सशक्त पहल जारी रखा जा सके। इस कार्यक्रम में 9 तहसील के तहसील पदाधिकारी के साथ साथ सभी ग्राम के ग्राम समिति पदाधिकारियों की उपस्थिति में सराहनीय रहा। साथ ही समाज के जागरूक और समाज को दिशा निर्देश देने का उद्देश्य रखने वाले समाज जन की सराहनीय उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में डहरवाल कलार समाज के मेधावी छात्राओं को जिला कार्यकारिणी, तहसील कार्यकारिणी और ग्राम समिति के पदाधिकारियों व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नव निर्वाचित बीडीसी सरपंच पंचगण के साथ साथ अखिल डहरवाल कलार समाज संगठन नागपुर के पदाधिकारीगण और डहरवाल कलार समाज संगठन सिवनी के जिला पदाधिकारीगण के हस्ते संपूर्ण समाज के मध्य सम्मानित किया गया। कक्षा 10वीं के योगिनी युवराज, डेविस घनश्याम, प्राची खेमचंद, पीयूष चेतनलाल, सुप्रिया प्रहलाद सहित 12वीं की दिव्यांश लिप्रियाज प्रिंस और आयुष दिशा पलक के साथ अन्य को डहरवाल कलार समाज के प्रशस्ति पत्र शस्त्रबाहु भगवान के स्मृति मेडल से सम्मानित किया। उसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित समाज के बीडीसी श्रीमती राजेश्वरी शारदा डहरवाल जरामोगांव, श्रीमती रक्षा अनिल डहरवाल कनकी, अरविंद गढ़पांडे कटोरी, पार्षद आशुतोष डहरवाल बालाघाट, सरपंच श्रीमती हेमलता नंदकिशोर जामुनपाने गोरेघाट, श्रीमती रेखा जितेंद्र नगरगढ़े, कायदी श्रीमती गुंजा योगेश बिठले, सालेबड़ी श्रीमती उर्मिला देवराम मंडलेकर चिकलावान, श्रीमती शोभा गंगाराम डहरवाल टुयापार, श्रीमती दीपिका जागेश डहरवाल कोयलारी, श्रीमती अनिता राजकुमार सोनगढ़े कुड़वा, श्रीमती सुनीता मंजय सोनेकर कोचवाही, श्रीमती दीपिका अशोक मंडलेकर डोरली और विनोद भिकलाल गढ़पांडे, अर्जुनी शंकरलाल डहरवाल कोसुम्बा, उपसरपंच नीलकुमार बघेल मिरेगांव सहित अन्य पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से डहरवाल कलार समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ समाज सेवी व समाज को दिशा निर्देशित करने वाले वरिष्ठ समाज सेवी भी उपस्थित रहे, जिनके सानिध्य में कार्यक्रम का समापन किया गया। क्या नाम है आपका? किशोरी लाल डहरवाल। क्या आयोजन किया गया कलार समाज? कलार समाज में कल आज मतलब वो नागपुर की भी समिति आई थी और पेपर वाले की समिति ने उनको सम्मानित किया गया। और क्या कार्यक्रम किया गया? और ये 1924 के जो उनके वंशज थे उनका भी सम्मान किया गया और
बच्चों का भी सम्मान किया गया, वो जो टॉप 10 थे और 75% के ऊपर वाले थे। जी आपका परिचय? शिवाजी बाबिस्ताले, जिला अध्यक्ष डहरवाल कलार समाज बालाघाट। जैसे कलार समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन और सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहूँगे? आज हम लोगों ने पिछले एक साल के दौरान हमारी बालाघाट जिला कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई थी, तो हमने एक ऐसा प्लान बनाया कि जो पूरे बालाघाट जिले की सिर्फ जिला कार्यकारिणी नहीं बल्कि उसमें तहसील नगर और ग्राम समितियों के सारे पदाधिकारियों की एक संयुक्त बड़ी बैठक कर ली जाए और जिसमें समाज के विभिन्न जो विषय हैं उन पर चर्चा करके और निर्णय लिया जाए। जैसा पिछली बार 5 अक्टूबर 2021 को कमला नेहरू हॉल बालाघाट में जो बैठक हुई थी उसमें एक निर्णय लिया था हमने कि समाज में शादी का समय 10 बजे तक फिक्स किया जाए, निर्धारित किया जाए। इस साल 80% सफलता उसमें मिली है, लेकिन हम ये चाहते थे कि उसमें समीक्षा करें कि कहाँ दिक्कत गई है लोगों को, तो फीडबैक ये निकल के आया कि थोड़ा सा उसमें संशोधन करके 10 बजे लगने का टाइम को 10 बजे दूल्हे को मंडप में आने का टाइम कर दिया जाए तो हमको 100% सफलता मिल जाएगी। तो आज उस पर चर्चा हुई और वो तय हो गया कि दूल्हा मंडप में 10 बजे के पहले पहुंच जाना चाहिए। जैसे मृत्यु भोज पर भी निर्णय लिया गया है, हाँ। और साथ में जैसे कहा गया है कि 1924 के दौर में उस समय समिति का भी गठन किया गया था, सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, हाँ। तो मृत्यु भोज पर चर्चा हुई और पूरा 1 घंटे तक मंथन करने के बाद में अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मृत्यु भोज हो लेकिन सादगीपूर्ण तरीके से हो और सिर्फ एक सादा भोजन करके और अपने घर के लोग पूजा पाठ करके और उसको संपन्न कर लें, उसको ज़्यादा आडंबर युक्त और खुशी के माहौल वाला भोजन न कराया जाए, ये इसमें सहमति बनी है और निर्णय पारित हुई। और क्या कार्यक्रम किया गया? इसके बाद क्या है, सम्मान समारोह का कार्यक्रम था, चुने हुए जनप्रतिनिधि पूरे संत सरपंच पंच और BDC पार्षद सबका सम्मान किया गया। इसके अलावा हमारे समाज के 100 साल पहले मैंने 1924 में क्या है समाज के कुछ बड़े कार्यकर्ताओं ने समाज को संगठित करने का प्रयास किया था, समाज के लिए काम किया था, तो उनके वंशजों को सम्मानित करने का भी योजना थी और उसमें भी कल उनके सारे वंशजों को बुला करके उनको साल श्रीफल दे करके सम्मानित किया। बच्चों को 75% से ऊपर वाले जितने बच्चे थे 10th और 12th उन सबको बुला करके और सम्मानित किया गया। टॉप 10 बच्चे की सूची निकाली गई समाज की, उनको समाज की ओर से 1,000 रुपया और प्रमाण पत्र और मेडल और भगवान सहस्त्रबाहु का फोटो के साथ में उनको सम्मानित किया। क्या नाम है आपका? शिवाजी बाबिस्ताले, डहरवाल कलार समाज की। अंजलि, अंजलि रजनी जी ने से आया।